السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدات من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين كيه حالي يا سبكة उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे दुआ तआला आपको हमेशा अपनी हिफ्स बार में रखे हर शर, हर बुराई और हर फितने से बचा कर रखे आपके वक्त आपकी सेहत और ज़िंदगी और ईमान में बहुत सारी खैर व बरकत और रहमतों का नज़ुल फरमाए अला सबान तआला आपको दीन पर इस्तकामत अता फरमाए दीन के अहकबात को बेहतरीन तरीके से समझने वाला अमल करने वाला और दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए आमीन अल्लाह आमीन। हारा लबाज़ रवी का आज का टॉपिक है तजहीज़ व तकफीन तजहीज़ के बारी है तैयार करना आरास्ता करना मुराद है दफन करने के लिए तैयार करना तजहीज़ व तकफीन इसके मानी हैं मुर्दे के कफ़न दफ़न का इंतज़ाम करना मुर्दे की आखिरी रसूम अदा करना अल्लाह का बड़ा ही शक्र है कि जो हमारी शरीत है वो एक मुकम्मल शरीत है इंसान को ज़िंदगी और बात के बाद की तमाम मसलतों के बारे में बताया गया है मरने के बाद इंसान के जनाज़े के वो अहकाम भी इसमें हैं जो अल्लाह त हमें बताए हैं और इन अहकबात का ताल्लुक़ इंसान की बीमारी और मौत से लेकर कब्र में दफन करने तक है बताया गया है मरीज़ की यादत करनी है अगर वो करीबुल मर्ग है तो उसे कलमे की तलकीन करनी है मर जाए तो क्या क्या करना है यानी आंखें फौरन बंद करनी है मुंह बंद करना है कपड़े उतार देने हैं बाद में जिसम सख्त हो जाता है फिर गसल देना कफ़न पहनाना फिर नमाज जनाजा अदा करना और दफन करने के जो भी अहकाम हैं सब दिन ने हमें बता दिए हैं इमाम इम्न कईम रहमु फ़रमाते हैं जनाजा और इससे मतलक जो भी अमूर हैं उनके बारे में बेहज़ूर सल्ला वम ने ऐसी वो कब्बल हदायात दी हैं जो हब दीगर जो उमतें हैं उनसे मुमताज़ करती है यानी मकम्मल अहकाम बता दिए गए हैं मैत के साथ एहसान का मामला करना है उसे कबर और आख़रत में फ़ायदा दे इस तरह के मामल करने हैं मसल मरीज़ की यादत करना फिर उसे कलमे की तलकिन करना उसे पाक साफ करना जब वो मर जाए अदब और एहतराम के साथ कब्रस्तान में लेकर जाना फिर मैत के मुसलमान भाई सफ़ बंदी करके उसकी तबाज़ जराज़ा अदा करते हैं अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाते हैं अल्लाह की सना करते हैं सल अल्लाह सल्लाह व्लम पर द्रूषी भेजते हैं फिर मैत के लिए बाफ़रत की रहमत की और उसे माफ़ करने की अल्लाह साल से दुआ करते हैं फिर उसकी कबर पर खड़े होकर क़बर के इम्तहान के मौके पर उसके लिए सबित कदमी की दुआ करते हैं और बाद में वक्ता फवक्ता उसकी कबर की ज़्यारत की जाती है और उसके लिए दुआएं मफ़रत पड़ी जाती है इन तमाम उम्र में इसका ऐसे ख्याल रखा जाता है जिस तरह ज़िंदगी में एक शख्स अपने साथी का ख्याल रखता है फिर उसके जो रिश्तेदार होते हैं लोयाल होते हैं उनके साथ एहसान और भलाई का मामला किया जाता है और मसनून यह है कि हर मुसलमान मौत को कसरत याद करे उसकी तैयारी करे गुनाहों से तोबा करे कमी कोताइयों से बचे झादती करके जिनके हकूक़ गसब किए हैं उन्हें वापस करे और इससे पहले कि उसे मौत व हो जाए वो नेक अमाल कर ले जो उससे जन्नत में ले जा सकते हों जामे तरमेजी में बाप है माँ जाफ़ी ज़िक्रिलमौत रसुल्ल व ने फरमाया है अक्सर ज़िक्र हाजिमिल्लात तर्जबा है लजतों को तोड़ने वाली बात को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो आलम नज़ाम तलकिन नबी अकरम सल्ला सल वम ने फ़रमाया उन लोगों को जो बरने के करीब हों ला, ला की तलकिन करो यहाँ यही बताया जा रहा है कि जब कोई शख़्स मर्ग हो तो चाहिए कि उसके सामने ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ा जाए इससे क्या होगा उसे भी ख्याल आ जाएगा पढ़ने का अलबत् बौद के बाद चरपाई को कंधा देते वक्त जो लोग कलमा शहादत पढ़ते हैं वो तो हमें हदीस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ह सौर सब राम रज़ीम और कुरून जो हैं उनके तरीक़े से कहीं हमें ये नहीं मिलता यानी ये मसरून तरीक़ा नहीं है ये आज लोगों ने दीन का हिस्सा खुद से बना लिया है इसे आपल ने फ़रमाया जिसका आखिरी कलाम ला अल्लाह हुआ वो जदत पे दाखिल होगा क्योंकि उसने बहुत के आसार देख कर कलमा नहीं पढ़ा होगा बल्कि अल्लाह से डर कर ला पढ़ा होगा और फिर चंद ही लमों में अल्लाह सुबहाना तै ने उसकी ज़िंदगी का ये आखिरी कलाम बना दिया होगा और उसे अपने पास बुला लिया होगा अल्लाह सुबहाना तै हम सब को तोफ़ी दे हमारा ख़ात्मा ईमान हो और मरते हुए हमें कल में शहादत नसीब हो रसोल्ला सल्ला वम ने फ़रमाया जब तुम बीमार या मैत के पास जाओ तो भलाई की बात कहो क्योंकि उस वक्त तुम जो कुछ कहते हो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं यानी वहाँ जाकर आप उसके लिए दुआ मफरत पढ़ें फरिश्ते आमीन कहेंगे उसने जो भी अपनी ज़िंदगी में नेकियाँ की होंगी भलाइयाँ की होंगी उनका तस्करा करें उनकी कबूलियत के लिए दुआ करें फरिश्ते आमीन कहेंगे मरने वाले के पास सूरह यासीन पढ़ने की रवायत को नवी ने जहीफ़ कहा है और इमाम दारुल कुतनी रही ने कहा है कि इस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सही हदीस नहीं है यानी ये खुद से बाद में लोगों ने घर लिया है बहुत की ल्ला ल्ला मौत की आरज़ू करना रसोल्ला सल्ला वम ने फरमाया मौत की आरज़ू ना करो अगर तुम नेक हो तो शायद ज़्यादा नेकी कर सको ज़्यादा लंबी ज़िंदगी होगी तो ज़्यादा नेकियां कर लोगे और अगर बदकार हो तो तौबा करके अल्लाह को राज़ी कर सकोगे नी लंबी ज़िंदगी है तो हो सकता है कोई ऐसी आज़माइश आ जाए कोई ऐसी कबूलियत की घड़ी आ जाए कोई ऐसा लम्हा आ जाए कि दिल मोम हो जाए नरम हो जाए और अल्लाह से तोबा कर लो क्योंकि देखें कई दफ़ा दीन का इल्म ना रखने वाले अपने लिए मौत की दुआएं करने लगते हैं जाहिर है उन्हें तो नहीं पता होता कि ये मना है मौत की आर्जू करना और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि आजमाइशों पर सब्र करने का अल्लाह ने तुक्म दिया है और इससे जन्नत के आला दर्जात तक रसाई जो है आसान हो जाती है और दुनिया में भी गुनाहों की बख्शिश हो जाती है देखिए ज़िंदगी जो है ना वो अल्लाह सन्ना की दी गई नमत है मौत मांगना इस नियमत की ना है इस नमत से इंसान फ़ायदा तभी उठा सकता है जब दी गई ज़िंदगी में हदायत पा ले आख़रत की तैयारी कर ले अल्लाह को राज़ी कर ले अल्लाह की रज़ा के काम करने लग जाए यही वजह है कि नेक इंसान लंबी ज़िंदगी से फ़ायदा उठाता है ज़्यादा नेकियां कर लेता है और गुनागार को भी लंबी ज़िंदगी फ़ायदा दे जाती है कभी कभार इस शर्त पर कि वो तोबा कर ले मरने से पहले तो फिर फ़ायदा देगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत की आमद से पहले इसकी आरज़ू ना करो ना मौत की दुआ करो क्योंकि जब कोई शख्स मर जाता है तो उसकी नेकी करने की उम्मीद ख़त्म हो जाती है यानी तो ज़िंदा होता तो मज़ीद नेकियां करता ना अगर वो नेक है तो और मोमिन की लंबी उम्र उसे नेकियों में आगे बढ़ा देती है सदना इपने उमर रज़ीम फरमाते हैं अलैहि वसल्लम ने मेरा कंधा पकड़ कर फरमाया दुनिया में इस तरह रहो गोया के तुम मुसाफिर हो यानी रा गुज़र हो देखें जब इंसान कहीं सफ़र पे जाता है तो कितना समान लेता है थोड़ा सा ना? बस जितने दिन रहना है ज़रूरी सामान जो उतने दिन गुज़ारा हो जाए तो कहा जा रहा है इस दुनिया में भी एक मुसाफिर की तरह रहो बस इतना ही सामान हो इतनी ही चीज़ें हो जितनी ज़रूरत है अगर हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं सामान है जो हमने पिछले छः महीने से इस्तेमाल नहीं किया तो उसे हमें निकाल देना चाहिए ग़रीबों को दे देना चाहिए और सैद इब्ने उमर रज़ी हम फरमाया करते थे जब शाम हो तो सुबह का इंतज़ार ना करो जब सुबह हो तो शाम का इंतज़ार ना करो यानी कोई भी नहीं कि ये समझ के ना छोड़ दो कर लेंगे अभी तो बड़ी ज़िंदगी पड़ी है अभी तो बहुत वक्त है नहीं फ़ौर फ़ौर कर लो क्योंकि हमें नहीं पता शाम को हम जिंदा हैं सुबह ना रहें सुबह ज़िंदा हैं शाम को ना रहें तंदुरुस्ती तो को बीमारी और ज़िंदगी को बहुत से पहले गनी मत जानो ख़ुदकशी सख्त गुरा है नबी करीम वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स अपने आप को गला घोंट कर बारता है वो में अपना गला घोंटता रहेगा यानी बार बार गला घोंटेगा मरेगा फिर ज़िंदा होगा फिर यही अमल दोहराता रहेगा और उस तकलीफ़ और अजियत से मुसलसल गुज़रता रहेगा और जो शस नेज़ा जो बोकर अपनी जान देता है वह जहन्नुम में अपने आप को नेजा ही मारता रहेगा अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह ताला ने कैसे ही शख़्स के मुतल फ़रमाया मेरे बंदे ने अपनी जान खुद ली इसलिए मैंने उस पर जन्नत हराम कर दी क्योंकि अपनी जान लेना भी हराम था ना। सही मुस्लिम अलजरास हदीस नाइन सेवन एट बे है कि नबी अक्रम अलैहि वसल्लम ने खुदकशी कर खुद करने वाले की रबाज जराजा नहीं पड़ी थी लिहाजा मुज़स एले इल्म जो हैं उन्हें भी खुदकशी करने वाले की रवाज़ जराजा बे शरीक नहीं होना चाहिए ताकि बाक़ी लोगों को भी इबरत हासिल होत को भरोसा दे रहा जिसका कोई क़रीबी दोस्त या अज़ीज़ फात हो जाए तो उसका मैय को महब्बत की वजह से भोसा देना जायज़ है क्योंकि सईदाना अबू बकर सदीक रज़ी अलाू ने रसोल्ला सल्ला वसलम की वफ़ात पर आपको भोसा दिया था बैत का वसल सदमअतिया रज़ी अन्हा बयान करती हैं कि हम रसोल्ला सल्ला वसम की बेटी को नहला रहे थे तो आप सल सल्ला वल्लम ने फ़रमाया इसे तीन पाँच या सात बार पानी से और बेरी के पत्तों से गसल दो और आखिरी बार पानी में कुछ काफूर भी मिला लो एक रिवायत वे है गसल दाएं तरफ के जो अज़ाय वज़ू हैं वहाँ से शुरू करना चाहिए सैदा उम्मतिया रज़ी कहती हैं कि हमने गसल के बाद उसके बालों की तीन चोटियाँ गूँदी और उन्हें पीछे डाल दिया यहाँ इस हदीस से यह भी पता चलता है कि औरत को औरतें ही गुसल देंगी मैत का क़न रसोल्ला सल्ला वसल्लम को सफेद रंग के तीन सूती कपड़ों में कफ़न दिया गया इनमें कुर्ता था ना अमामा वफात के फ़ौर बाद, बाद बैत का मुंह और आँखें बंद की जाएंगी। वरना वो खुली रह जाती हैं बाज़ू टांगे और हाथ पाँव की उंगलियाँ भी सीधी कर ली जाएंगी। जैसे पाँव है ना तो पाँव के दोनों अंगूठे बाँध दिए जाते हैं किसी कपड़े से ताकि पाँव टांगे खुल ना जाए इसी तरह कमीज़ और बनियान वग़ैरह उतार कर चादर से मैयत का बदन ढाँप दिया जाएगा क्योंकि बाद में जिसम अकड़ जाता है तो कमीज़ नहीं उतरती पानी और बेरी के पत्ते उबाल लिए जाएं, फिर नीम गरम पानी ही इस्तेमाल किया जाए पानी कम से कम इस्तेमाल किया जाए क्योंकि ये भी सुनत है ना, लकड़ी का एक तख्ता ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पानी का निकास और गंदगी को ठिकाने लगाना आसान हो मैत को इस तख्ते पर लटाया जाए नाफ से घुटनों तक की जगह कपड़े से ढांप दी जाए ये मर्दों के लिए है औरतों के ऊपर पूरा कपड़ा डाला जाएगा और दौरान गसल मैत की शर्मगा पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए और ना ही बग़ैर कपड़े के जिसम को हाथ लगाना चाहिए अगर जिसम जख्मी हो और उस पर पट्टियाँ बंधी हों तो एहतियात से पट्टियाँ खोल कर रुई और नीम गर्म पानी से आहिस्ता आहिस्ता ज़खम धोने चाहिए हर काम की इब्तदा दाइ तरफ से करें यह कि सिर्फ़ बाईं जानी तोजा की मस्त हो नाफ़ की तरफ हाथ से मैत का पेट दो या तीन दफ़ा दबाया जाए इसकी यह वजह होती है कि अंदर जो भी गंदगी वगैरह होती है वो ख़ारिज हो जाती है फिर बाएं हाथ पर कपड़े का दस्ताना या कुछ ना मिले तो प्लास्टिक का शॉपर चढ़ा लिया जाए और उसे दस्ताना हो तो उसे पहनकर पहले बट्टी के तीन ढेलों से साफ़ किया जाए फिर पानी से उसका इस्तनजा किया जाए ये गांव वगैरह के लिए है जहां साबुन वगैरह नहीं होता अगर जेर नाफ़ बालों की सफ़ाई बाक़ी हो तो कर ली जाए नाक दांत मुंह का खलाल और कानों में अच्छी तरह गीली रुई फेर कर इनकी अलग से सफ़ाई कर ली जाए ताकि बाद में वज़ू के दौरान तीन दफ़ा से ज़्यादा ना धोना पड़े बिस्मिल्लाह पढ़कर मैयत को मसनून वज़ू कराया जाए सर का मसा और पाँव रहने दें क्योंकि गुस्ल होगा ना तो वो फिर हो जाएगा तीन दफ़ा अच्छी तरह सर धोएँ हस में ज़रूरत साबुन या शैम्पू इस्तेमाल किया जा सकता है लिहाजा साबुन इस्तेमाल करते हुए पूरा जिसम तीन पाँच या सात मरतबा अच्छी तरह धोएं। आखिरी दफ़ा नहलाते वक्त पानी में कुछ काफूर मिला लें सबसे आखिर में पाँव धोएँ मैत का सोग सईद जैनब बिनते जहश रज़ी का भाई फात हो गया तीन दिन बाद उन्होंने खुशबू मंगवाई और उसे मला फिर कहा मुझे खुशबू की ज़रूरत नहीं थी मगर बर रसोल्ला सल्ला वसलम से सुना जो औरत अल्लाह ताला और त्यावत पर ईमान रखती हो उसके लिए हलाल नहीं कि तीन दिन से ज़्यादा किसी मैत पर सोग मनाए सिवाय शौहर के जिसका शोक चार महीने और दस दिन है औरत की दत इतनी होती है ना उसका ज़िक्र है सही बुखारी बे है सीदा उमें अ़तिया रज़ी अन्हा का लड़का फौत हो गया तीसरे दिन उन्होंने जर्दी मंगवा कर बदन पर मली और कहा हमारे लिए शौहर के अलावा किसी और की वफ़ात पर तीन दिन से ज़्यादा सौग मनाना ममनू है मैत पर रोना अगर मैयत को देख कर रोना आए और आंसू जारी हों तो मना नहीं है इसलिए कि ये रोना है जो जायज़ है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ने फ़रमाया अल्लाह ताला आँख के रोने और दिल के परेशान होने की वजह से अजाब नहीं देता बल्कि ज़ुबान के चिल्लाने और वविला करने की वजह से अजाब होता है यानी जो नोहा करते हैं चीखते हैं चलाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के हाँ वो सबर मुतबर है जो सदमे के शुरू में हो यानी सदमे के शुरू में सबर करने का जर है ये नहीं कि खूब बैन कर लिया शोर मचा लिया चीख चला लिया वेला मचा लिया उसके बाद ख़ामोश हो गए थक कर और कहा कि हम सबर कर रहे हैं ये सबर नहीं है असल सब्र ये है कि मुसीबत के शुरू ही में तस्लिम और रज़ा का मुजहरा किया जाए यानी अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहा जाए और इजहार गम के फितरी तरीके के अलावा यानी आंसू भालिए ये, ये जायज़ है और कुछ ना किया जाए सैदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अन्न रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लाफ़रबाया सल वो हम में से नहीं है जो रुखसार पीटे यानी थप्पड़ मारे चेहरे पर गरेबान फाड़े और जहलीत की पुकार पुकारे यानी नोहा करे बैन करे मचाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया मैं बेजार हूँ इससे जो बात की मुसीबत में सर के बाल नोचे चला कर रोए और अपने कपड़े फाड़े सल्लल्लाहु अलैहि सल वसल्लम ने फरमाया अल्लाह फरमाता है कि मेरे उस मोमिन बंदे के लिए बहिशत के सिवा कोई बदला नहीं जिसके प्यारे को मैं अहले दुनिया से कब्ज़ करता हूँ और वो उसकी बात पर सब्र करते हुए सवाब की उम्मीद रखता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहालियत के चार काम ऐसे हैं जिन्हें मेरी उम्मत के लोग नहीं छोड़ेंगे नंबर एक अपने हसब पर फख्र करना यानी अपने ख़ानदान पर अपने कबीले पर अपनी ज़ात पर किसी के नसब में तान करना यानी दूसरों को हकीर समझना कमज़ास समझना नंबर तीन सितारों के ज़रिए पानी तलब करना यानी इल्म नजूम पर यकीन रखना गैब का मालूम करना नंबर चार नोहा करना और ये भी फरबाया अगर नोह करने वाली औरत मरने से पहले तोबा ना करे तो क़्यामत के दिन उस पर गंदक की कमीज़ और ख़ारिश का कुर्ता होगा यहाँ जो है ना सितारों के ज़रिए पानी तलब करना तो इसमें अल जहालीत का अकीदा था कि सितारों की दकलो हरकत और सितारों के तलुअप जो है और ग्रूप का बारिश और दीगर जो ज़मीनी जो भी वाकयात और हादसा होते थे कहा जाता था उनसे गहरा ताल्लुक़ है यानी इल्म नजूम पर यकीन था और आज भी ये सारी जो शर्की खराफात है वो हमारे यहाँ मौजूद हैं रसोल्ला सल्ला वम के बेटे इब्राहिम जब हालत निज़ाम में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वम ने उन्हें उठाया और फरमायाख आंसू बहा रही है और दिल गमगीन है मगर इसके बावजूद हम कुछ नहीं कहेंगे सिवाय इस बात के कि जिससे हमारा राजी हो और इब्राहिम हम तेरी जुदाई के गमगीन हैं, यहाँ हमें यही पता चलता है कि अल्लाह सुबहाना तआला महबूब की मोहब्बत में आकर अपने फ़ैसले नहीं बदलता बल्कि जो चाहता है सो करता है और किसी की ताकत से मरूब नहीं होता ना किसी की मोहब्बत से मकलूब होता है रसोल्ला सल्ला वसल्लम का लवासा फ़ौत हुआ तो आपकी आँखों से आंसू जारी होगे सैदना सात बिन अबादा रज़ी ने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल ये क्या है आप फ़रमाया ये वो रहमत है जो अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों में पैदा की है और अल्लाह अपने बंदों में से रहमत करने वालों ही पर रहमत करता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस औरत के तीन बच्चे मर जाएं, तो वो बच्चे उसके लिए जहन्नुम की आग से आड़ बनेंगे एक औरत ने पूछा अगर दो बच्चे मर जाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया दो बच्चे भी सैद नाबू हुर रज़ी अल्लाह की रिवायत में है कि इस से बरात वो बच्चे हैं जो अभी बालिग ना हुए हों एक और रिवायत में है कि रसोल्ला अलैहि सलम ने फ़रमाया अल्लाह ताला इन बचपने में फ़ौत होने वाले बच्चों पर अपनी रहमत और फ़ल के सबब इन मुसलमान वालदे को जन्नत में दाखिल करेगा यानी बच्चे नाबालिग हों ताज़ियत के बसरून अल्फाज ताजियत का मतलब होता है वाद अजर की बिना पर यानी कि अजर मिलेगा आख़रत में इस वजह से सबर करना दूसरों को भी सबर की तलकिन और तरगीब करना और मैत मुसीबत ज़दा को दुआ देना यानी मैत के लिए भी दुआ की जाए और जो मुसीबत ज़दा है उसके लिए भी की जाए आप अलैहि वसल्लम ने अपने रवासे के मुतालिक जो हालत नजा में थे अपनी बेटी को ये क़लिमात ताज़ियत के लिए भेजे इन् लहद वह आता व्ल्लू शीन गंदा बी आजिन मुसम्मा तर्जबा है यक़ीनन अल्लाह का माल है जो उसने ले लिया और उसी का है जो उसने दे रखा है उसके यहाँ हर चीज़ का वक्त मुकर है फिर आपने ये पैगाम ले जाने वाले से कहा कि उसे हुक्म देना कि सब्र करके इसके अजर ववाब की उम्मीद रखे मालूम हुआ कि इस दुआ के बाद लवाकिन को सबर करने और स्वाब की उम्मीद रखने की तलकिन भी करनी चाहिए अल्लाह साल हमें इन अहकाम को बेहतरीन तरीके से समझने और इन पर अमल करने की तोफ़ी का ताफरमाए और हमें दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए आमीन अपना बहुत ख़्याल रखिएगा व नबी हमदी ला इलाहा इल्ला नख़िर नस्तगफिरुका व इलैक अलैकुम व वसलमकूम व वर्का